नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। उत्तर प्रदेश के हरदोई के मिरगावा में एक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिरगावा और हरहरा गांव से आने वाली गन्ने की ट्रॉली से रास्ते में खड़े लोगों के ट्रॉली के बाहर निकले गन्ने के टकराने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मिरगावा गांव के लोगों ने हरहरा गांव के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी कपिल देव सिंह ने बताया कि मिरगावा से हरहरा गांव की तरफ रास्ते पर जा रहे ट्रैक्टर के बाहर लदे गन्ने से हरहरा गांव के लोगों को टक्कर लग जाने से आपसी विवाद हो गया है, जिसमें मिरगावा के प्रधान व अन्य लोगों ने हरहरा के गाँव के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। हमले में हरहरा गांव के एक युवक के ऊपर लोहे की रोड से हमला होने पर मौत हो गई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही प्रधान सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि एक गन्ने की ट्रॉली गन्ने से लोड कर जा रही थी। इस दौरान ट्रॉली से निकले गन्ने से टकरा कर टक्कर लगने से विवाद हो गया। इस विवाद में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 6 आरोपितों को काबू कर लिया है। हड़हा गांव से गुजर रहा था, वहां पर सड़क पर कुछ लोग खड़े थे जिनसे ट्राली से बाहर लगा हुआ गन्ना टकरा गया है। उसमें मिरगावा गांव के कुछ लोग आए और फिर हड़हा गांव के लोगों पर हमलावर हो गए। उसमें रॉड से हमला किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की दौरान इलाज डेथ हुई है। आला कत्ल बरामद है। कुछ लोग हमारी हिरासत में हैं जो ट्रैक्टर और ट्रालियाँ वाहन आदि यूज किए गए थे मिरगावा गांव तक आने के लिए, हड़ा गांव तक आने के लिए, वो सब बरामद हैं और शेष 5 लोग और नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी प्रयास किए जाए। प्रधान पर भी आरोप हत्या का? हाँ, ये प्रधान पर ही आरोप है और उनके लिए लगातार हम लोग दबिश दे रहे हैं और सख्त कार्रवाई की। कितने लोगों ने अटैक किया था और कितने अज्ञात हैं इसमें? अभी इसमें जो हमें तहरीर मिली है उसके अनुसार 6 नामजद हैं और अज्ञात की संख्या तो नहीं है, लेकिन जैसा पूछताछ में प्रकाश में आ रहा है काफ़ी लोग गांव से प्रधान के साथ आए थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।